इंदौर जिले की देपालपुर तहसील की बेटमा नगर की बालिका शिवानी पांचाल और मंजू चौहान ने गोवा के इंडोर स्टेडियम में आयोजित इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप, जिसमें 13 देशों के 2000 खिलाड़ियों ने अपनी भागीदारी की, जिसमें बेटमा की दो बेटियों ने 2 महीने लगातार मेहनत कर गोवा में कराटे चैंपियनशिप में देश का व अपने नगर का नाम रोशन कर दिखलाया। कोच जितेंद्र वर्मा ने बताया कि आने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप दुबई में आयोजित की जाएगी, जिसमें यह दोनों बालिकाएं अपने राष्ट्र का नाम फिर एक बार रोशन करेंगी। दोनों बेटियों की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने से बेटमा नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्रीराम निवास दाऊ के अथक प्रयासों से बेटमा के लोगों ने आर्थिक सहयोग देकर इस प्रतियोगिता में पहुंचाया। राष्ट्र का नाम रोशन करने पर दोनों बेटियों का बेटमा पहुंचने पर प्रेस क्लब बेटमा एवं राम निवास दाऊ और थाना प्रभारी DPS चौहान द्वारा थाना परिसर और नगर के अंबेडकर चौराहे पर स्वागत किया गया, जिसमें नगर वासियों द्वारा बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी गई। देपालपुर से बलराम देसाई की रिपोर्ट। बहुत इच्छा थी कराटे कंपटीशन में जाने की और मैंने बहुत मेहनत करी है और इसी तरह मैं राज्य स्तर पर भी मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। उसी के दौरान सर ने आगे हमने इसी तरह मेहनत करते हुए हमारा अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में सिलेक्शन हुआ था और इस तरह हम गोवा गए और यहाँ के लोगों ने सबने सम्मान किया और वहाँ पर भी हमारा 3 से 4 बार कॉम्पिटिशन हुआ। वहाँ भी हम लड़े, बांग्लादेश की लड़कियों से फाइट हुई और जापान की लड़कियों से फाइट हुई। मेरी लास्ट फाइट मलेशिया की अमीना के साथ हुई थी, जिसको हरा के मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसका पूरा श्रेय हमारे दाऊजी को जाता है, क्योंकि आज अगर उन्होंने हमारा उत्साह मतलब बढ़ाया नहीं होता और हम सक्षम नहीं थे वहाँ तक जाने के लिए। दाऊजी ने हमारी बहुत मदद की है, जिसके दौरान आज हम गोवा जाकर अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करा है। शिवानी पांचल। यस, मैं 8th क्लास में थी जब से मेरा ये प्रयास था कि मैं कराटे सीखूँ और अंतर्राष्ट्रीय अपने देश के लिए मैं लड़ूँ, और आज मेरा वो दिन आ गया था। पर मेरे पास हम लोग सक्षम नहीं थे वहाँ तक जाने के लिए, तो हमने दव अंकल से बोला कि हमारी मदद करे, हम पैसे से बहुत असक्षम है कि हम वहाँ तक पहुँचे। हमारा पैकेज था 12-12.5 हज़ार रुपये, पर हम पे नहीं कर पा रहे थे। फिर दव अंकल से हम लोगों ने बोला कि हमारी मदद करे, फिर उनने हमारी मदद करी और हमें वहाँ तक पहुँचाया और गोल्ड मेडल तक हम पहुँचे। गोवा में हमारी 2-3 राउंड में फ़ाइट हुई, जिसमें जापान की लड़कियों से हमारी फ़ाइट हुई, इसमें जीते हम। फिर लास्ट फाइट हमारी पाकिस्तान की सोना अमीरा के साथ हुई, जिसमें हमने उसे बहुत पछाड़ा और गोल्ड मेडल हासिल किया। बेटमा मतलब मैंने 3 मेडल जीते हैं। सबसे पहले जापान में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जापान से लड़े। फिर उसके बाद मैंने मलेशिया की लड़की से को हराया, उसमें भी ब्रॉन्ज जीता। फिर लास्ट फाइट मेरी पाकिस्तान की सोना अमीरा के साथ हुई है, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। जी, मेरे मन में वही यही विचार आया कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा भी सीखे कि आत्म सुरक्षा अपनी खुद कर सके, क्योंकि हम हर जगह पे बच्चों के साथ नहीं जा सकते और जैसे अत्याचार लड़कियों पे हो रहे हैं, वो अपने सेल्फ डिपेंड हो जाए और आत्म सुरक्षा खुद कर सके, ये मैं चाहती थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे गोल्ड मेडल लेके आए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है, मैं सिलाई करती हूँ पूरे दिन, बच्चों की कोचिंग्स वगैरह लेती हूँ, जो मेरे मिस्टर है प्राइवेट जॉब करते हैं, और बहुत मेहनत करके मैंने बच्चों को आगे बढ़ाया है। जी, पैसे की दिक्कत बहुत आई थी, 12 हज़ार रुपये का सवाल था और 12 हज़ार मैं सक्षम नहीं थी देने में, और मैंने गुड़िया को बोला बेटा रहने दो, अपन नहीं जा सकते हैं। और फिर मेरे मन में ख्याल आया कि बच्चे अपना अगर जब आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो क्यों ना अपन किसी की हेल्प लें, मदद लें। फिर मेरे मन में दाऊ जी का ख्याल आया और मैंने उनसे इस चीज़ में चर्चा करी। 2-3 बार हमारी चर्चा हुई और दाऊ जी ने बोला कि मैं पूरी हेल्प करूँगा, आप बच्चों को अभी पहुँचाओ। पाकिस्तान देश को हरा के आए तो मेरे को ज़्यादा खुशी हुई कि बच्चे अपने बेटमा का नाम रोशन कर रहे हैं, अपना देश का नाम रोशन कर रहे हैं। रानी पांचाल। और हमारा गांव और शहर का नाम रोशन करा इनने, बेटमा देपालपुर का, और पाकिस्तान को हरा के आई, बहुत अच्छी खुशी हुई। और इसका कोई भी सरकार सहयोग करे।
हमने इधर उधर से उधार करे और हमारे दव अंकल जी ने सहयोग करा अच्छा कि हमारी बच्ची उनको वहाँ तक इनने भेजी। अभी तक तो हमने नहीं देखा था मेडल क्या चीज़ है और कैसा है। अभी लई हमारी लड़की तो बहुत खुशी हुई हमको और हमारे पड़ोसी और गांव वालों सबको खुशी हुई। हम सब्जी बेचता हूँ। सब्जी बेचते हैं? हाँ। आपका नाम? कैलाश। कई समाज सेवी कार्यक्रमों में आती रही थी, वहाँ भी मेरी नज़र इन पर पड़ी कि यार ये बालिकाएँ अच्छी है और काफ़ी एक्टिव है। फिर ये जूड़ो कराटे के लिए पचमढ़ी गई, वहाँ से जीत के आई। फिर हमने बेटमा में इनका कार्यक्रम एक आयोजित किया, उसमें सारे पत्रकारों ने सहयोग दे करके इन्हें राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर इनके काम बताए और उसी को देख करके इंडिया लेवल पर इनका चयन हुआ और इन्हें गोवा के लिए आमंत्रण मिला। गोवा इन्हें जाना था, लेकिन गोवा जाने के लिए 12,000 का पैकेज इनको दिया था कि 12,000 रुपये आप जमा करवाइए तब हम आपको गोवा ले जाएंगे। इन बच्चियों के पास इतने पैसे नहीं थे। इनके पिताजी मजदूरी करते हैं, इनकी माताजी मजदूरी करती है, इतना पैसा ये कहीं से ला नहीं सकते थे। ये बड़ी मायूस घर में बैठी थी, मुझे बताया। मैंने कहा कि मैं पैसा ला के तुम्हें कहीं से भी दूंगा। मैंने अपने हिसाब से सांसद महोदय और अन्य लोगों से निवेदन किया, बताई, तो उन्होंने कहा कि भैया सारे पैसे हम देंगे, इन्हें कैसे भी अभी पहुँचा दो। तो हमने इन्हें गोवा पहुँचाया। गोवा जा कर के 13 देशों की 2,000 लड़कियों के बीच में इनका मुकाबला था और उस मुकाबले में इन लड़कियों ने 4-4 देशों से फाइट की थी और सभी को इन्होंने हराया और हरा करके वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आए। इसके अलावा सिल्वर मेडल, ब्रांज मेडल ये भी इनको मिले हैं और वहाँ भारत का प्रतिनिधित्व इन लड़कियों ने किया, जिन्हें हम सड़क पे छोटी छोटी बच्चियाँ समझते थे। आज इन लड़कियों ने भारत का नाम रोशन वहाँ पर किया है और वहाँ पे इनका सिलेक्शन हुआ है गोवा में। दुबई में फिर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है और दुबई में फिर इन्हें वहाँ पे आमंत्रित किया है। अब दुबई के लिए हम फिर पेशकश करेंगे कि इन्हें दुबई तक हम छोड़ के आएँ या साथ इनके जाएँ या इन्हें छोड़ करके वहाँ से आएँ। दुबई तक ये बेटमा की लड़कियाँ जाएगी और हम इनका पूरा सहयोग करेंगे, जहाँ तक होगा भले ही हमें 2 लाख या 10 लाख भी लाना पड़े, हम लेके आएंगे और इन बच्चियों को दुबई तक पहुंचाएंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। सदा हम इनके साथ हैं और साथ रहेंगे।